मार्कोस या सैंड रिजॉर्ट के लिए कटक से निकले हैं, तो कटक से जाने के लिए आप लोगों के पास दो ऑप्शंस रहता है। एक रास्ता होता है आपका बांकी की तरफ होके और दूसरा रास्ता जाता है खुर्दा की तरफ से। और हम लोग गए थे खुर्दा और बाघामरी के तरफ से। खुर्दा के तरफ आपको मिलेगा ये होटल जिसका नाम है माँ बरुनई होटल। और ये होटल आपके नाश्ते के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको अच्छा खाना मिल जाता है। और मेनली ब्रेकफास्ट में साउथ इंडियन फूड रहता है विथ पूरी एंड आलू चॉप और ये सब आपको मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छा और टेस्टी खाना रहता है और उसके साथ हाइजीन भी काफ़ी अच्छा है इस रेस्टोरेंट का। इसके साथ आपको वॉशरूम का भी फैसिलिटी मिल जाता है विच इज़ गुड फॉर अ लॉन्ग जर्नी। अच्छे से पेट पूजा करने के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े हमारे मंजिल की ओर। आपको कटक से अराउंड 3.5 से 4 घंटे लग जाएंगे सैंड रिजॉर्ट पहुंचने में। और अगर आप लोग भुवनेश्वर से आ रहे हैं तो अराउंड आपको 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे। चामुंडिया के पास आप लोगों को ये एक चेक पोस्ट पड़ेगा जहाँ पे आप लोगों को अपना टिकट का प्रिंटआउट दिखाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। और फाइनली पहुँच गए हम लोग सातकोसिया सैंड रिजॉर्ट। मेन एंट्रेंस से एंटर करते ही आपको दिख जाएगा ये साइन बोर्ड जहाँ पे आपको मास्क रिक्वायर्ड दिख जाएगा। तो आपके जस्ट राइट साइड पे ही आ जाएगा रिसेप्शन एरिया और उसके बिल्कुल बगल में आ जाएगा आपका पार्किंग स्पेस। काफ़ी अच्छा और बड़ा पार्किंग स्पेस है तो गाड़ी पार्क करने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर रिसेप्शन एरिया में आप लोगों को अपना बुकिंग टिकट का प्रिंट आउट दिखाना पड़ेगा जहाँ पे वो लोग आपको बोटिंग का टिकट देंगे। और अगर आपके साथ कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन है तो आपको उसके लिए 1000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और अगर आपके पास ड्राइवर है तो उनके फूडिंग एंड शेल्टर के लिए आपको 300 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मेन एंट्रेंस से आपको ये एक वॉक थ्रू लेना पड़ेगा अपने टेंट्स और कॉटेजेस को पहुँचने के लिए। वॉक थ्रू के ख़त्म होने पे हम लोग पहुंच गए हैं इस रिज़ॉर्ट के लाउंज या फिर एक्टिविटी एरिया में। हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन किया है और यहाँ पे हम लोग एक वॉश बेसिन भी देख सकते हैं जहाँ पे सैनिटाइज़र एंड हैंड वॉश रखा हुआ है। और ये है लाउंज एरिया और सिटिंग एरिया। सो आप लोग एक ओवरव्यू देख सकते हैं लाउंज एरिया का भी। लाउंज एरिया के बगल में ही एक साइकिल स्टैंड है जहाँ पे हम लोग बहुत सारे साइकिल्स देख सकते हैं। इनमें से कोई भी एक साइकिल आप चूज़ कर सकते हैं और लेके जा सकते हैं साइकिलिंग के लिए। लाइब्रेरी भी है यहाँ पे, सो बुक लवर्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। सो यू कैन एन्जॉय योर बुक्स विद अ सीनिक व्यू। लाइब्रेरी के बगल से जाता है आपके एसी कॉटेजेस के लिए रास्ता, पर हम लोग वहाँ पर बाद में जाएंगे। और अभी चलते हैं हमारे लाउंज एरिया के तरफ और थोड़ा देखने के लिए। और यहाँ नीचे आप लोगों को रास्ता मिल जाता है स्विस कॉटन टेंट्स के लिए। सो यहाँ पे भी हम लोग बाद में ही आएंगे। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी बोर्ड मिल जाएगा जहाँ पे सारे एक्टिविटीज़ इन डिटेल्स लिखे होंगे विथ देयर रेस्पेक्टिव टाइमिंग। और एक बोर्ड है जहाँ पे मुदुली गड़िया करके ये जगह है करके बताया गया है। और यहाँ पे एक है कैनोपी वॉक जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे अमेज कर रहा है अभी, पर इस पर हम बाद में चढ़ेंगे। और ये कुछ डूज एंड डोंट्स है अबाउट द कैनोपी वॉक। सो अगर आप इसके ऊपर चढ़ते हैं तो ये प्रिकॉशंस लेके ही जाना। यहाँ पे है ड्राइवर्स रूम। अगर आपके साथ कोई भी ड्राइवर आए हुए हैं तो यहाँ पे उनको रात के लिए बेड मिल जाता है और ये लोग ब्लैंकेट्स एंड वगैरह भी दे देते हैं। आपको बस 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना होता है उनके फूडिंग एंड बेड के लिए। जैसे मैंने बताया था, नीचे की तरफ आपको अपने स्विस कॉटन टेंट्स मिल जाएंगे देखने के लिए। तो हमने यहीं पे अपना बुकिंग किया है टेंट्स में, तो चलिए नीचे चलते हैं। व्यू जो है बहुत ही सुंदर है, सो मुझे लगा एक बार आप लोगों को भी दिखा देती हूँ।
अगर आप लोगों ने एसी कॉटेजेस में बुकिंग किया है तो आप लोग वहाँ पे रहेंगे, और यहाँ पे है नीचे आने के लिए रास्ता। बुकिंग करने के लिए सारा प्रोसीजर ऑनलाइन ही होता है, ऑफलाइन कुछ नहीं होता है। सो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये सैंड रिजॉर्ट जो है वो ओडिशा टूरिज्म के अंडर आता है। नीचे पहुंचते ही पहले हमें डाइनिंग स्पेस दिख जाएगा, एंड यहाँ पे कुछ सोलर पैनल्स भी देखने को मिलते हैं, और बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये जगह। बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है पूरे डाइनिंग स्पेस को, और कुछ बोर्ड्स भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। वैसे ये सब अलाउड है यहाँ पे। ये है इनका डाइनिंग हॉल 1। जिस टाइम पे पानी आ जाता है ये लोग टेंट्स निकाल देते हैं, सो ऊपर का लाइब्रेरी एरिया बन जाता है इनका डाइनिंग हॉल 2। सो इसीलिए ये है डाइनिंग हॉल 1। डाइनिंग एरिया के बाद आपको दिख जाएंगे सारे टेंट्स। नीचे टोटल 12 टेंट्स है। सो देखते हैं हमारा टेंट कैसा दिखता है। ये वाला टेंट हमको अलॉट किया गया है। सो बाहर आप लोग देख सकते हैं 2 कुर्सियाँ और एक छोटा सा टेबल रखा हुआ है। ये इवनिंग में बैठने के लिए अच्छा होगा, अभी तो बहुत ज़्यादा धूप है। सो देख लेते हैं अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हम लोग को मिलने वाला है। टेंट्स के अंदर भी बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं आपको, जैसे एक नॉर्मल होटल रूम में मिलता है। वेंटिलेशन के लिए स्काईलाइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, और 2 सिंगल बेड्स हैं 2 जन के लिए। एक रैक है जिसके ऊपर आपके टॉवल्स मिल जाएंगे या फिर ब्लैंकेट्स हो गया, और एक फुल साइज़ मिरर भी है। मिरर के साथ आपको स्टोरेज स्पेस भी मिल जाएगा यहाँ पे। सो अगर आप ज़्यादा दिन के लिए आ रहे हैं तो आप अपना सामान भी रख सकते हैं, जैसे कि टॉयलेटरीज या फिर जो भी आपकी मर्जी। उसके साथ 2 चेयर्स और एक छोटा सा टेबल है अगर आप टेंट के अंदर बैठना चाहते हैं तो, और एक टेबल फैन भी दिया गया है। एज ऑब्वियसली टेंट के अंदर तो आपको एसी नहीं मिलने वाला, तो इन लोगों ने फैन दिया हुआ है यहाँ पे। और एक स्टूल भी मिलता है आपको अगर आप बैठना चाहें या फिर कुछ चीज़ें रखना चाहें। ये और एक छोटा सा एरिया है बाथरूम और टेंट के बीच का एरिया, जहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हैं एज अ ग्रीन रूम या फिर चेंजिंग रूम। उस तरफ है हमारा वॉशरूम, सो देख लेते हैं कि कितना साफ़ है कितना नहीं। ये है वॉशरूम और काफ़ी साफ़ दिख रहा है मुझे, एंड हाइजीन का पूरा ध्यान रखा है इन लोगों ने। और काफ़ी नॉर्मल बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाता है जैसे एक नॉर्मल वॉशरूम में होना चाहिए। चलिए अभी लंच का टाइम हो गया है और वो लोग आपको बुला देंगे एक बार लंच का टाइम हो जाता है तो। यहाँ पे भी हमको डाइनिंग स्पेस में वॉश बेसिन्स मिल जाता है और एक्वागार्ड्स मिल जाता है देखने के लिए, जहाँ पे ठंडा और गर्म दोनों पानी आ जाता है। हर किसी को डाइनिंग स्पेस में ही आना पड़ता है खाना खाने के लिए। अगर आपने एसी कॉटेजेस भी बुक किया है तभी आपको नीचे आना होगा हर एक मील के टाइम पे। अगर आपके साथ कोई भी बड़े बुज़ुर्ग है तो अगर उनको कोई तकलीफ़ है तब इन लोगों को बताने से ये लोग शायद ऊपर खाना आपको दे देंगे, पर नॉर्मली हर किसी को नीचे आके ही खाना मिलता है। सो काफ़ी हाइजीन मेंटेन करके रखा है हर जगह पे, और खाना भी बहुत ही टेस्टी था। आपको वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। वेज में आपको पनीर मिल जाता है और नॉन वेज में आपको चिकन या फिर फिश करी मिल जाएगा खाने के लिए। और खाना बहुत ही घरेलू टाइप का बनता है यहाँ पे, नॉट लाइक कि रेस्टोरेंट में जैसे हम लोग खाते हैं, बट बहुत ही टेस्टी और अच्छे से बना था खाना। यहाँ पे फिक्स मेन्यू रहता है, आप लोग ऑर्डर करके नहीं खा सकते हैं। और अगर आपको इवनिंग में कुछ एक्स्ट्रा स्नैक्स आइटम चाहिए जैसे कि चिकन पकोड़ा या फिर पनीर पकोड़ा हो गया, तो आप लोगों को आफ्टरनून यानी लंच के टाइम पे ही उन लोग को बताना पड़ेगा कि आपको इवनिंग में क्या चाहिए। बाद में बताने से ये लोग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। अभी अराउंड दोपहर के 3 बज रहे हैं और टाइम हो गया है बोटिंग का। ये जो बोटिंग पॉइंट है वो रिजॉर्ट से अराउंड 5 किलोमीटर दूर है, और आपको यहाँ पे ओन अरेंजमेंट से ही आना पड़ेगा, यानी कि अपनी खुद की गाड़ी से आना पड़ेगा। बोटिंग पॉइंट का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और ये जो नदी है इसको बोलते हैं महानदी, और ये पूरा ही रिजॉर्ट हो गया, ये बोटिंग पॉइंट, ये सारा कुछ महानदी के ऊपर ही बना हुआ है। सो व्यू आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है।
बोटिंग अराउंड 2:30 स्टार्ट हो जाता है, सो आफ्टर योर लंच आप लोग थोड़ा सा रेस्ट करके बोटिंग के लिए आ जाना। नहीं तो अगर ज़्यादा इवनिंग हो जाएगा तो कुछ खास दिखेगा नहीं, और बोटिंग का पूरा मज़ा इसके व्यू में ही है। और आपको यहाँ पे क्रोकोडाइल्स भी साइट होंगे, सो इफ़ आप लोग लेट करेंगे तो चांसेस है कि आपको अंधेरे में शायद कोई क्रोकोडाइल्स भी नहीं दिखे। हम लोग को एक क्रोकोडाइल देखने को मिला, और थैंकफुली क्योंकि हम लोग नवंबर के मंथ में आए हैं, अगर आप लोग दिसंबर या फिर जनवरी में आते हैं तो आपको अराउंड 10 से 15 क्रोकोडाइल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। व्यू इतना सुंदर है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका हाफ एन आवर का बोटिंग ख़त्म भी हो जाएगा। रिजॉर्ट से बोटिंग पॉइंट के बीच कुछ गांव आएंगे, उसमें से एक गांव का नाम है इको विलेज, और इस जगह पे आपको हर एक घर का रंग एक ही कलर का दिखेगा। सो यहाँ पे कुछ खास देखने के लिए नहीं है, बस आप अपने कार के अंदर बैठ के इसका मतलब मज़ा ले सकते हैं कि हर एक घर एक ही कलर का रहता है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं वापस से रिजॉर्ट में, और अभी ऊपर में ऐसे ही घूम रहे हैं। ये है रिजॉर्ट का किचन रूम जो कि ऊपर के एरिया में है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे है एसी कॉटेजेस। ऊपर में 3 एसी कॉटेजेस हैं जो कि यहाँ से नहीं दिख रहा है, और थोड़े से नीचे में और 4 एसी कॉटेजेस हैं। यह है ऊपर से नीचे का व्यू जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। यहाँ पे वे टू जंगल ट्रैक का साइन बोर्ड लगा हुआ है, और एसी कॉटेजेस के बगल से होके जाता है ये वाला रास्ता। यहाँ ऐसा कुछ दिखता है आपका एसी कॉटेजेस, बैल्कनीज रहता है और कुछ सीढ़ियाँ रहती हैं, और काफ़ी सुंदर है। नीचे में 4 एसी कॉटेजेस हैं और थोड़ा ऊपर और 3 एसी कॉटेजेस हैं, यानी कुल मिला के 7 एसी कॉटेजेस मिल जाता है। और ये है जंगल ट्रैक के लिए रास्ता। अभी चलिए हम लोग थोड़ा एक्टिविटीज़ का इवनिंग में मज़ा ले लेते हैं। कैनोपी वॉक के ऊपर चलना बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ हिज एक्सपीरियंस। दिस इज़ टोटली अमेजिंग, आई टोटली लव्ड इट, एंड इट इज़ द फर्स्ट कैनोपी वॉक ऑफ ओडिशा। इवनिंग में डाइनिंग स्पेस और भी ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि सारे लाइट्स ऑन हो जाते हैं, और टेंट्स में रहने का एक ही डिमेरिट है कि टेंट्स के अंदर आपको एक भी चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता है, बट यहाँ पे डाइनिंग में आपको मल्टीपल चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएगा। तो अगर आप जब भी डाइनिंग में बैठे हैं तो आप अपना फ़ोन या फिर कुछ भी यहाँ पे चार्ज में लगा सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स में आप लोग को मिल जाएगा चाय के साथ इसको खाने के लिए, जिसको उड़िया में पकौड़ी बोलते हैं। स्नैक्स के बाद कुछ ही टाइम में यहाँ पे फोक डांस स्टार्ट हो जाएगा, इसको उड़िया में दंड नृत्य बोलते हैं। फोक डांस के बाद आप लोग कैंप फायर का मजा ले सकते हैं। अभी अराउंड सुबह के 5:45 बज रहे हैं, और हम लोग जग गए हैं सनराइज़ देखने के लिए। कल रात मैं डिनर रिकॉर्ड करना भूल गई, सो पर हम लोग को डिनर में नॉनवेज में चिकन मिला था और वेज में पनीर मिला था, सो जो कि मैं क्लिक करना या फिर रिकॉर्ड करना भूल गई। सनराइज़ नहीं हुआ है, पर हम लोग यहाँ पे सनराइज़ पॉइंट के थोड़ा और आगे आ गए हैं ताकि थोड़ा अच्छे से सनराइज़ देख सकें। अगर वीडियो अभी तक आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर इस ट्रिप के बारे में आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। अभी मैं करने वाली हूँ सनराइज़ का टाइम लैप्स, सो एंजॉय दिस व्यू।
हम लोग जंगल ट्रैकिंग के लिए नहीं गए थे, पर अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आपको अराउंड 7:30 तक रेडी हो जाना चाहिए जंगल ट्रैकिंग के लिए। ये था हम लोग का सुबह का नाश्ता, और वेज में खाली एग नहीं रहता है और बाकी सब सेम रहता है।